Now part 3, the selfish end. But where is your little companion? परंतु तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? He said, the boy I put it on the tray. The giant loved him the best because he had kissed him. वो वह बालक जिसे मैंने वृक्ष पर बिठाया था, दानव को उससे सर्वाधिक प्यार हो गया क्योंकि उसने उसे चूमा था. You don't know. We don't know. Answered the children. बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता. He has gone away. वो चला गया है. You must tell him to be sure and come tomorrow. तुम हम उसके बारे में मुझे जरूर बताना, जब वो कल अवश्य आएगा. Said the giant. जेंट ने कहा. But the children said that they did not know where he lived. बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है. And had never seen him before. और ना ही उन्होंने पहले उसे कभी देखा है. The giant feel very sad. और दानों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ. Every afternoon, हर दोपहर को, when school was over, जब स्कूल बंद हो जाता था, the children came and play with the giants. बच्चे आते और दानों के साथ खेलते. But the little boy whom the giant loved has never seen again. लेकिन जिसे दानव ने बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया, जिस बच्चे से प्रेम किया करता था, वो दोबारा दिखाई नहीं दिया. द जेंट वॉज वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन. वो दानव जो है सभी बच्चों के प्रति दयालु हो गया. एंड येट लॉन्ग फॉर हिज चिल्ड्रन एंड ऑफन स्पोक हिम. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से. तो उसने जो है छोटे मित्र से मिलने की इच्छा उसी बनी. तो उसने पूछा, वह अक्सर ये पूछता रहता था कि जब मेरी उससे मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा है तो मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ. ही यूज टू से. ईयर्स वेंट बाई, सालों चले गए. एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. अब जो है दानव वृद्ध भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया और कमज़ोर भी हो गया. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर. वो अब ज़्यादा उनके साथ नहीं खेल सकता था. सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर. इसलिए वो आरामदायक कुर्सी पर हमेशा बैठा रहता. एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. और इसके बाद वो जो है बच्चों को खेलते देखता रहता था और बाकी हमेशा प्रशंसा किया करता था. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स. मेरे पास बहुत ही सुंदर बगीचे में फूल हैं. एंड इट वॉज इन द फार्देस्ट. बहुत ही सुंदर फूल हैं, ही सेड. उसने कहा. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन इट. लेकिन बच्चे जो हैं उनमें से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट हिज विंडो. ही वॉज ड्रेसिंग. एक दिन जब वो जाड़े में की रात है, जब वह वस्त्र पहन रहा था, तो उसने खिड़की के बाहर जो है उसको झांका. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज नियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. उसने देखा कि उसे जाड़े से कभी घृणा नहीं होती थी क्योंकि वह बसंत के नींद के जाने का जो है सूचक था और फूल भी उस समय आराम कर रहे थे. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड एंड लुक्ड. एक दिन जो है उसने अपनी जो है आंखें रगड़ी और उसने बड़ी हैरानी से देखा और देखता ही रहा. इट सडनली वॉज अ मार्वलस साइट. और सचमुच बाहर बहुत ही ज़्यादा भव्य दृश्य था. इन द फर्दर फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए क्वाइट ट्री कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लूज. इट ब्रांचेस फॉर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटल बॉय ही हैड लव्ड. उसने देखा कि एक सबसे सुंदर, सबसे दूर एक कोने में एक वृक्ष प्यारे सफ़ेद फूलों से जो है वो ढका हुआ है और उसकी शाखाएं भी सुनहरी थी और रूपहले फल जो उसके ऊपर फल थे वो लटके हुए थे और नीचे वह जो है उसका प्रिय बच्चा जो है वो खड़ा हुआ था. डाउन स्टेयर्स रैन द जेंट इन ग्रेट जॉय. और वो तेजी से दानव खुशी से सीढ़ियों से नीचे भागा एंड आउट ऑफ द गार्डन और बगीचे से बाहर आया. ही हास्टेंड अक्रॉस द ग्रास. उसने जो है तेजी से घास पर वो दौड़ा एंड केम नियर टू द चाइल्ड और उस बच्चे के पास आ गया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड एंड एंगर. और जब वह उसके पास आया तो वो बालक जो है क्रोध से भरा हुआ था, उसका चेहरा क्रोध से लाल था. एंड ही सेड. उसने कहा, हु
हैथ डेयर टू वाउंड दी, किसने तुम्हें यह चोट पहुंचाने का जो है साहस किया है। फोर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ द टू नेल्स, और तुम्हारे क्योंकि बालक के हाथों पर कीले और कीलों के निशान थे और दो छोटे छोटे पैरों पर भी जो है दो निशान बने हुए थे। हु है डेयर टू वाउंड दी, यह तुम्हें घायल किसने किया है। क्राइड द जेंट, जेंट चिल्लाया, टेल मी दैट आई मे टेक माय बिग स्वॉर्ड एंड स्ले देम, मुझे बताओ मैं उस विशाल तलवार से जो है उसका कत्ल कर दूंगा। नी आंसर्ड द चिल्ड्रन, किसी ने नहीं, बालक ने उत्तर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, परंतु ये तो प्यार के निशान थे। हु आर तू, तुम कौन हो। सेड द जेंट, जेंट ने कहा। ए स्ट्रेंज ऑफ फील ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटल चाइल्ड, दानव ने पूछा कि ये विचित्र भेद से उसके ऊपर कैसा छा गया, उस छोटे बच्चे के सामने वो जो है घुटने टेक कर बैठ गया था। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और वो बच्चा ऑन द जेंट, और जेंट के ऊपर जो है वो बच्चा जो है मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे के साथ जो है बोला, यू आर लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टूडे, यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, जो है उसने कहा कि तुम एक बार मेरे साथ जो है अपने बगीचे में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ ही उस बगीचे में चलोगे जिसे आप स्वर्ग जो है कहते हो। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून दे फाउंड द जेंट लेइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोज, और जब बच्चे शाम को दौड़कर आई तो उन्होंने दानों का वृक्ष के नीचे जो है मृत शरीर को पाया, वो डेड हो चुका था, उसका शरीर जो है सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड।